हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को पैन कार्ड ऑनलाइन करेक्शन के बारे में कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। और अगर आप मेरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग फॉर्म को फिलअप करते हैं तो पैन कार्ड आपका कभी भी होल्ड नहीं होगा और आपके साथ अलग सा कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगा जाएगा। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो यहाँ पे इस पेज का लिंक दे देंगे, ऑनलाइन सर्विस nsdl.com पे। लेकिन इसकी टर्म एंड कंडीशन एक ही दोस्तों होती है, आपको अगर पैन कार्ड अप्लाई करना है तो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर अटैच होना कंपलसरी है, क्योंकि ई KYC के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिलअप किया जाता है। अधिकतर आप ई KYC के अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप करेंगे आपके लिए बेहतर पड़ेगा। नहीं तो आपको, अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको NSDL या कोरियर को अपना फॉर्म फिलअप करके जमा करना होता है, तो इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो आपको बता दें, मोबाइल नंबर अपना आधार कार्ड से अटैच हो तभी इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। तो आपको यहाँ पर आने के बाद, आपको यहाँ पे इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे एप्लीकेंट टाइप हमें आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप चेंज एंड करेक्शन करना चाहते हैं, रिप्रिंट करना चाहते हैं, तो इस पे आपको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर उसके बाद एप्लीकेंट जो भी होगा उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करना है। अब उसके बाद पहले तो आपको टाइटल यहाँ पे मेंशन करना है। टाइटल आपको बता दें, मेंशन करेंगे तो आपका ये नहीं कि टाइटल पैन कार्ड पे लेके आएगा, बस ये है कि ये टाइटल है, इसके लिए आपका टाइटल लग के आता है। तो टाइटल आपका जो भी है टाइटल लिख लेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है उसका लास्ट नेम लिखेंगे और फिर उसके बाद फर्स्ट नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद मिडिल नेम लिखेंगे। जो भी आधार कार्ड में डिटेल है वही आप यहां पे फिल करेंगे। फिर उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। ईमेल आईडी आपको फिल करना है। फिर उसके बाद यहां पे मोबाइल नंबर फिल करना है और अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद पैन कार्ड नंबर फिल करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद कैप्चर को फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों सबमिट पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे एक टोकन नंबर जनरेट हो जाता है। इस टोकन को आपको 30 दिन के अंदर अंदर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप अभी फिल करना चाहते हैं तो कंटिन्यू विद एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे फॉर्म पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको हाउ टू वांट टू सबमिट पैन कार्ड पे आपको यहाँ पर आपका इस तरीके का कॉलम खुलेगा। डॉक्यूमेंट किस तरीके से आप सेंड करना चाहते हैं आपको यहाँ पे चूज करना है। अगर पेपरलेस सेंड करेंगे तो आपका आधार कार्ड ही आपका डॉक्यूमेंट पहुँच पाएगा, इसलिए आप अगर डॉक्यूमेंट अदर कोई डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो सबमिट स्कैन थ्रो ई साइन के अकॉर्डिंग अपना जो भी डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप तीसरा वाला कॉलम चूज करते हैं तो आपको यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड है आपको सेंड करना पड़ेगा कोरियर। तो आपको यहाँ पे मैं दूसरा वाला कॉलम सबमिट एंड स्कैन थ्रू ई साइनिंग के अकॉर्डिंग आपका किया है, इसमें फोटो साइन जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड की जाएगी। तो अब उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। जो भी आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट है वो फिल कर लेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिर उसके बाद जो भी आधार कार्ड पे आपका नाम है यहाँ पे फिल कर देंगे। जो भी नाम है, नाम फिल करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर आपका अगर आपके नाम में कुछ गलत है तो आपको इसको चेक मार्क करना है। अगर आपको लगता है कि नाम में आपका सब सेम है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी आपका है इसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपका गलत है। अगर नाम में आपका गलती लगता है तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर उसके बाद आपका नाम सही है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बताया जाता है कि जो भी आपका पैन कार्ड पे नाम प्रिंट होगा वो आपका यही प्रिंट होगा, आप यहाँ पे मिला सकते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अगर लगता है आपका डेट ऑफ बर्थ उसमें गलत है, जो पुराना वाला पैन कार्ड है, तो आपको यहाँ पे उसको चेक मार्क करना पड़ेगा। तो जो भी आपका पैन कार्ड आएगा पुराने वाले पे पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ चेंज होकर आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर जेंडर में आप फॉर्म फिलअप करते समय गलती कर दी है तो आपको यहाँ पे जेंडर में टिक मार्क करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपका यहाँ पे फ़ोटो और साइन ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिसकनेक्ट हो जाएगा, जो भी फ़ोटो और साइन देंगे वही आपका अपलोड होगा। अगर पेरेंट में पिता फादर नेम में गलती हुई है तो डिटेल आप पेरेंट पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद फादर का लास्ट नेम लिखेंगे, फादर का फर्स्ट नेम, फादर का मिडिल नेम
और उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यह ध्यान रखिएगा पेरेंट नेम एंड प्रिंट आउट ऑन पैन कार्ड पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं फादर या मदर। इसका मतलब दोस्तों जो पैन कार्ड पे आएगा फादर का नाम मेंशन करना चाहते हैं या मदर का, अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन का ऑप्शन मिलता है। आपको अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे आप पैन कार्ड अप्लाई मंगवाना चाहते हैं आपको वहाँ पे टिक करके उसके बाद एड्रेस को फिल करना है। अगर आधार कार्ड में जो डिटेल है वो फिल करना चाहते हैं रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे और अपना यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट फिल करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मकान नंबर दे रखा है, आपके अगर आधार कार्ड में मकान नंबर दिया है लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद विलेज लिखेंगे, इसमें फिर पोस्ट लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे सब डिवीज़न या तुलका या लोकेलिटी एरिया आपको मेंशन कर देना है। जैसे तहसील हो गया, थाना हो गया, अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं कोई भी एक इसमें। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट करेंगे, जैसे इंडिया सेलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद जो भी स्टेट है आपका स्टेट यहाँ पे आ जाता है, स्टेट को आपको सेलेक्ट टाइप कर लेंगे या तो आप जो है यहाँ पर इस तरीके का अगर पेज आता है तो आपको को इसको इग्नोर करके ओके पे क्लिक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश चूज करने के बाद जो भी आपका पिन कोड है पिन कोड मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको आना है और इंडिया प्लस 91 सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं इंडिया जैसे ही हम लिखते हैं फिर उसके बाद इंडिया का जो कोड है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट एज अ प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे जो भी आप डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे अगर आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो आधार कार्ड चूज लिखेंगे, नहीं तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वहाँ पे लिख देंगे। चलिए मैं पासपोर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इसके बाद जो भी आप एड्रेस में फिल करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं उसको जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। चलिए तो मैं आधार कार्ड ले लेता हूँ। फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ पैन कार्ड में क्या देना चाहते हैं, आपके पास पैन कार्ड की फ़ोटो कॉपी लगाना चाहते लगा सकते हैं, नहीं तो नो डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन का आपका ऑप्शन मिलता है, आपको हिमसेल्फ पे हरसेल्फ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका नाम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट जितने डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं आपको यहाँ पे नंबरिंग लिखना है। फिर उसके बाद प्लेस लिखना है जहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर या तो गांव लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। यहाँ बताया गया जो फ़ोटो अपलोड करेंगे आपका 50 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर आपको साइन भी बताया गया है 50 KB के अंदर और 200 DPI के आपका स्कैन करके अपलोड JPG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। और यहाँ पे जैसे जैसे हम बता दें, अब जैसे कि हम यहाँ पे फोटो अपलोड कर लेते हैं और फिर अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे फ़ोटो पिक करेंगे उसके बाद अपलोड पे ऐसे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे फ़ोटो शो हो जाएगा। फिर उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पर अपलोड साइन पे क्लिक करेंगे, जो साइन आपकी है अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही अपलोड पे क्लिक करेंगे आपकी यहाँ पे साइन यहाँ पे शो होती है। फिर उसके बाद याद ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो डॉक्यूमेंट आपका आपको यहाँ पे PDF फॉर्मेट में 300 KB के आपके अंदर होना चाहिए। यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब तक 300 KB के आपके अंदर नहीं होगा तब तक आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। तो 300 DPI के अकॉर्ड 300 KB के अंदर PDF फॉर्मेट में एक साथ मर्ज फाइल आपका होना चाहिए। अगर मर्ज फाइल आपका नहीं आता है किस तरीके से मर्ज फाइल को कंप्लीट बनाया जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको हम बता देंगे किस तरीके से आपको मर्ज फाइल मर्ज करना है। तो चलिए हमने अपना मर्ज फाइल अप कर चुके हैं और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट है एक साथ अपलोड कर देंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा मर्ज फाइल ही अपलोड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो फिर जैसे मर्ज फाइल यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ अपलोड हो जाएगा और यहाँ पर आपका शो हो जाता है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिया है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। और जैसे अपलोड का ऑप्शन आएगा उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, 300 KB के अंदर आपका ले चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों सबमिट पे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर शो होता है। आपको आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट जो फिल किए थे उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका आधार का फर्स्ट 8 डिजिट है वो फिल करेंगे। चलिए मैं अपना आधार कार्ड का 8 डिजिट फिल कर लेता हूँ और फिर इसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं अपने आधार कार्ड का लास्ट का स्टार्टिंग का जो भी नंबर है वो फिल कर लिया। फिर उसके बाद
स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, मोड ऑफ पेमेंट। आपका फॉर्म कंप्लीट से हो चुका है, अब आपको यहाँ पे 107 रुपये का लगभग पेमेंट कटा करके अपना रिसिप्ट निकाल लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे पेमेंट के मोड पे क्लिक करते हैं और उसके बाद टर्म एंड कंडीशन के सेट करके प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पेमेंट कंफर्म का ऑप्शन आएगा, उस पर कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि अभी मेरा जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप स्कैनर के अकॉर्डिंग आप पेमेंट करना चाहते हैं तो इस स्कैनर को स्कैन करके आपको पेमेंट कर लेना है। जैसे ही पेमेंट करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे 1 से 2 मिनट का वेट करना है और जैसे ही 1 से 2 मिनट के अंदर आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा आपको रिडायरेक्ट कर देगा अपने पेज पे। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग KYC कर अपने जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP भेज करके सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 बार OTP जाएगी, दोनों बार OTP डाल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको क्या होगा, जैसे ही आपका कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर ध्यान देखिएगा दोस्तों, जब भी आप इस पेमेंट कटाते हैं तो अगर आपका रिफ्रेश का ऑप्शन मत करिएगा, रिफ्रेश कर देंगे तो आपका पेज कट जाएगा। तो यहाँ पर रिफ्रेश नहीं करेंगे, क्लिक हेयर टू रिफ्रेश कर लेते हैं अपना, फिर अगेन अपना पेमेंट कटा लेते हैं। अगर आपके फोन पे से पेमेंट कट चुका है तो आपको दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका यहाँ पर वो फेल होगा उसके बाद आपका 7 से 8 दिन के अंदर आपके अकाउंट में सेंड कर दिया जाता है। तो एक पैन कार्ड के लिए अगर डबल बार पेमेंट कटा देते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो पेमेंट है आपका पेमेंट रिटर्न चला आएगा और आपको वेट करना है 72 घंटे का। जैसे ही 72 घंटा कम्प्लीट होगा उसके बाद आपके अकाउंट में सेंड कर दिया जाता है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं कि उनका अकाउंट पेमेंट कट चुका है और अभी तक रिसिप्ट जनरेट नहीं हुई है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको 10 से 15 दिन के अंदर आपके अकाउंट में रिटर्न कर दिया जाएगा, आपको अगेन अपना पेमेंट कर लेना है। तो जैसे ही पेमेंट करेंगे उसके बाद यहाँ पे 1 मिनट का वेट का टाइमिंग का ऑप्शन मिल जाता है, वेट कर लेते हैं, उसको रिफ्रेश नहीं कर सकते दोस्तों। रिफ्रेश करेंगे तो आपका पेमेंट फंस सकता है। तो यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट आपकी निकल चुकी है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पर बताया गया है ऑथेंटिकेट आधार प्रोसीड फर्दर, जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर अटैच है उस पर OTP जाएगा, OTP ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर है यहाँ पर एक बार OTP डालेंगे, फिर उसके बाद कंफर्मिट पे जैसे क्लिक करेंगे आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा, आधार नंबर फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे, फाइनली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, जब भी आप पैन कार्ड करेक्शन करें तो PDF फॉर्मेट में एक साथ मर्ज फाइल आपका अपलोड होना चाहिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।